मारने की धमकी मिली है, तो आपको इसमें क्या है? नहीं फर्क पड़ता यार, धमकी वही देते हैं जो डरपोक होते, तो मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता इसमें। हाँ यार, मैं बिग बॉस से पहले भी नोन था। बिग बॉस एक शो है जो ऑलरेडी सेलेब्स का होता है, सो आई वाज ऑलरेडी नोन बिफोर बिग बॉस। या बिग बॉस के बाद मुझे मेरा नाम मिला, फेम कम नाम ज्यादा मिला, बिकॉज पहले लोग मुझे कैरेक्टर नाम से जानते थे, बीरबल कहकर पुकारते थे, रावण कहकर पुकारते थे, यू नो राजीव कहकर पुकारते थे, पर अब मुझे विशाल कोटेन के नाम से जानते हैं, तो बिग बॉस ने मुझे फेम से ज्यादा नाम दिया। मैं आप में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ, जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूँगा। बोल बाप, कहता हूँ कि अगर बदलते जमाने के साथ आगे बढ़ना है तो बदलाव, बिकॉज चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। इफ यू वॉन्ट टू कम्पीट विद ब्रांड्स, इफ यू वॉन्ट टू कम्पीट विद मॉल्स, तो आपको भी बदलना होगा, और ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। तो किसी भी तरह का बदलाव जो अच्छा है, जो प्रोग्रेस की तरफ है, तो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर इतने सारे बदलाव है, अब यंगस्टर्स अट्रैक्ट होंगे इस स्टोर के लिए, अब और लोग आएंगे, स्कूल कॉलेज और बेसिकली बहुत सारे कलेक्शन आप देख रहे हो यंगस्टर्स के लिए किए गए हैं। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव वेयर यंगस्टर्स वुड बी एक्साइटेड एंड वुड कम टू द स्टोर अगेन। अरे मैं बहुत सारा कलेक्शन लेके जा रहा हूँ, मैं तो अभी भी ओल्ड स्कूल ही हूँ, मुझे सिंगल स्टोर्स और सिंगल थिएटर्स अभी भी पसंद है, मैं अभी भी फिल्में चंदन में देखता हूँ और शॉपिंग सिटी मॉल से करूँ, सिटी वॉक से करूँ। एक फिल्म कंप्लीट की है पार्टनर्स नाम की, जो बहुत बड़ी फिल्म है, उसके अलावा एक प्ले रिलीज हुई है मेरी लास्ट सैटरडे, इस संडे भी NCPA में शूट था, अब अहमदाबाद शो करके आ रहे हैं, उसी शो को लेकर अब हम दुबई जा रहे हैं, फिर US जाएंगे। फिलहाल के लिए बिग बॉस के बाद सिर्फ ये फिल्म और प्ले ही किया है, काफ़ी वक्त इसी में गुजर गया। कुछ होस्ट करने वाला हूँ बहुत बड़ा, बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा, हर वो काम जो अच्छा है वो करूँगा, काम छोटा है बड़ा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है, जब तक है अच्छा ही काम करें। जैसे कि बिग बॉस आने वाला है, देख सकते हैं क्या आपके फैंस पता नहीं यार, बिग बॉस एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बार बार फंसने का मन करता है, पर अच्छा है, जब तक रहा सबको एंटरटेन किया, मेरी वाइल्ड कार्ड नहीं हो सकी कोविड की वजह से, उस बात का हमेशा दुख रहेगा, बट आई लव बिग बॉस, वापस अगर बिग बॉस का बुलावा है तो ज़रूर जाऊँ।